हम सभी अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी कुछ नई आदतों को बनाना चाहते हैं और कुछ पुरानी आदतों को छोड़ना चाहते हैं। इन माई प्रीवियस वीडियो आई हैव शेयर्ड विद यू दैट बाई सिंपली इन्वेस्टिंग 15 मिनट्स डेली यू कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर जल्दी ही कोई रिजल्ट ना दिखाई दे तो फिर डिसाइड टू स्टॉप और गिव अप ऑन दैट हैबिट। आप अपना 1% यानी कि डेली का 15 मिनट अगर सपोज़ योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन एक मंथ प्रैक्टिस करने के बाद अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिखाई दिया आपकी हेल्थ में, आपके फिटनेस में, तो आप उस आदत को छोड़ने का डिसाइड कर लेते हैं ये सोच के कि मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। लेकिन जेम्स क्लियर ने अपनी बुक एटॉमिक हैबिट में ये क्लियर किया है कि इन ऑर्डर टू मेक अ मीनिंगफुल डिफरेंस हैबिट्स नीड टू परसिस्ट लॉन्ग इनफ टू ब्रेक थ्रू द प्लेटू दैट इज़ कॉल्ड द प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। अगर आपको भी अपनी किसी पुरानी आदत को छोड़ने में या नई आदत को बनाने में कोई परेशानी हो रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप खुद को इम्प्रूव करने के लायक नहीं हैं या आप में वो योग्यता नहीं है, बल्कि इसके पीछे जो कारण है वो ये है कि आपने अभी तक वो अपना एक प्लेटू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल को क्रॉस नहीं किया है। हम हमेशा सोचते हैं कि प्रोग्रेस या फिर सक्सेस लीनियर होती है, यानी कि जैसी मैंने कोई हैबिट, न्यू हैबिट इंस्टॉल की अपनी लाइफस्टाइल में, तो धीरे धीरे मुझे तुरंत ही रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कुछ टाइम तक हमको कोई विजिबल रिजल्ट मिलते ही नहीं हैं और फिर हम उस वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट में फंस जाते हैं और फिर हम वी डिसाइडेड टू क्विट। लेकिन अगर हम उस थ्रेशहोल्ड को क्रॉस कर लें, यानी कि अगर हम एक लॉन्ग टाइम तक उस हैबिट को परसिस्ट करके रखें बिना क्विटिंग के, तो फिर सक्सेस ऐसे लगती है जैसे कि हमने ओवरनाइट सब कुछ अचीव कर लिया हो, क्योंकि मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस। अगर आपको लगता है कि आपने अपने लास्ट मंथ में इतनी एक्सरसाइज की थी तो आपका कोई विजिबल रिजल्ट आपको दिखा नहीं, तो आपके वो एफर्ट कहीं वेस्ट नहीं होते हैं, ये सिंपली स्टोर होते रहते हैं। एंड ऑल बिग थिंग्स कम्स फ्रॉम स्मॉल बिगिनिंग्स, द सीड ऑफ एवरी हैबिट इज अ सिंगल टाइनी डिसीजन। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी कोई भी, अगर आप कोई हैबिट अपना रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट आपको दिखे, तो आपको उसको एक लंबे टाइम तक परसिस्ट करके रखना होगा, एक थ्रेशोल्ड को क्रॉस करके रखना होगा, क्योंकि रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे एंड यू वोंट बी ईदर।